सोलन के राष्ट्रीय कुंभ अनुसंधान केंद्र में मशरूम मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में देश के कोने कोने से मशरूम उत्पादकों ने भाग लिया और मशरूम के साथ साथ उससे बनने वाले उत्पादों की बड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में ओइस्टर मशरूम से बनने वाले पापड़, बिस्कुट और नूडल को भी प्रदर्शित किया गया, जिसे लोगों ने खूब बेहद सराहा। सोलन के राष्ट्रीय कुंभ अनुसंधान केंद्र में मशरूम मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में देश के कोने कोने से मशरूम उत्पादकों ने भाग लिया और मशरूम के साथ साथ उससे बनने वाले उत्पादकों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में ओइस्टर मशरूम से बनने वाले पापड़, बिस्कुट और नूडल्स को भी प्रदर्शित किया गया, जिसे लोगों द्वारा बेहद सराहा गया। इसी तरह से अन्य उत्पादों को भी किसानों के अवलोकन के लिए रखा गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य मशरूम उत्पादकों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और किसान मशरूम व्यवसाय में सफलता हासिल कर चुके हैं उन्हें सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित करना है। अधिक जानकारी देते हुए अन्य राज्यों से आए हुए सफल मशरूम उत्पादकों ने बताया कि ओइस्टर मशरूम की मेडिसिनल वैल्यू को देखते हुए उन्होंने जहां इस मशरूम का पाउडर बनाने में सफलता हासिल की है, वहीं इससे पापड़, बिस्किट और नूडल्स भी बनाए हैं। अगर कोई व्यक्ति इसे खाता है तो वह कैंसर, हृदय घात, शुगर जैसी बीमारियों से बच सकता है और जो इन बीमारियों से पीड़ित है उसमें इन गंभीर बीमारियों से लड़ने की ताकत हासिल कर सकता है। तो हमने जब चालू किया है, एक साल पहले हमने न्यूट्रीमिस्ट मशरूम की एस्टेब्लिशमेंट की और जब से चालू किया है तब से हमने लगभग 7 से 8 प्रोडक्ट इसके बनाए जो कि इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स को ध्यान में रख के हमने ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। जैसे कि अब ये प्रोडक्ट्स कौन से हैं, इसका हमने ड्राइड ऑयस्टर मशरूम का पाउडर बनाया है जो कि कैंसर तक के, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, इस कैंसर की बीमारियों को ठीक कर सकता है। इवन हड्डियों की कुछ बीमारियां हैं, उसके अलावा आपके अर्थराइटिस है, इवन हीमोग्लोबिन के प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीजेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिक, तो इन सब में ऑयस्टर मशरूम का काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। लेकिन जहाँ तक ऑयस्टर मशरूम की बात है, मार्केट की बात है, इंडिया में उतना उसका काम नहीं हो पाया है। लेकिन अभी हमने इसका वैल्यू एडिशन करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि मशरूम फोर्टिफाइड पापड़ है, मशरूम फोर्टिफाइड बिस्किट्स है, इवन नूडल्स है मशरूम फोर्टिफाइड, और उसके अलावा पिकल्स है मशरूम का फोर्टिफिकेशन करके। तो ये सब प्रोडक्ट बनाए ताकि ये वैल्यू एडिशन है इन मशरूम के प्रोडक्ट्स का, जो कि हमको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सुबह से लेकर शाम तक इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी हम कुकीज़, बिस्किट्स खाते हैं, लेकिन अगर वही मशरूम के फोर्टिफिकेशन किया हुआ बिस्किट खाएंगे तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स हमको काफ़ी अच्छे मात्रा में मिलेंगे, तो उससे हमारी कुछ बीमारियां अंदरूनी ठीक हो जाएगी। हम लोग देहरादून से आए हैं, जेएमडी फार्म समारी फार्म है, और हम लोग मशरूम के प्रोडक्ट लेके आए हैं, जैसे बिस्किट हो गया, अचार हो गया, ड्राई मशरूम हो गया, प्लस हम लोग प्लांट का डेवलपमेंट लेके आए हैं, जैसे मशरूम की हट हो गई, आपकी पपनल का प्लांट हो गया। और जो हमारे प्रोडक्ट हैं ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं, जैसे आपका शुगर आपका कंट्रोल में आ जाता है इस बिस्किट में, और आपका कैंसर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वक्त तो चला, छोटी सी ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।